वेलकम टू दिस लेक्चर सीरीज ऑन डेटा माइनिंग। आज के इस लेक्चर में बात करेंगे ऑन द टॉपिक ऑफ मल्टी डायमेंशनल मेजर्स ऑफ डेटा क्वालिटी। मींस कि ऐसे कौन से पैरामीटर्स या एलिमेंट्स हैं जो कि डेटा की क्वालिटी को डिफाइन करने के लिए यूज होते हैं। और यू कैन से हाउ यू कैन मेजर आइदर अ डेटा इज ऑफ गुड क्वालिटी और बैड क्वालिटी। सो सपोज आप किसी कंपनी में एज ए मैनेजर काम कर रहे हैं और आप उस कंपनी की डिफरेंट ब्रांचेज हैं, आप उसके डाटा को एनालाइज करना चाह रहे हैं, उसके ऊपर कुछ डेटा माइनिंग एल्गोरिथम्स अप्लाई करना चाह रहे हैं। सो आप उस कंपनी के डाटा वेयरहाउस को या डेटाबेस को देखते हैं और जहाँ पे उसकी डिफरेंट ब्रांचेस का डेटा वेयरहाउस किया गया हुआ है, स्टोर किया गया हुआ है, और आप उसमें कुछ एट्रीब्यूट्स चूज करते हैं या सिलेक्ट करते हैं, लाइक आइटम और प्राइस एंड सपोज यूनिट्स सेल्ड, कि वो आइटम्स कितनी अमाउंट में, कितनी क्वांटिटी में सेल हुई हैं या परचेज की हैं लोगों ने। सो ये उसका डाटा सेट है। तो सपोज पॉसिबिलिटी हो सकती है कि उस डाटा सेट में कुछ ऐसी रोज़ हों या किसी एट्रीब्यूट की कुछ ऐसी अक्रेंसेज हों जिसमें उसका डाटा कलेक्ट ना किया गया हो, डाटा इंटर ना किया गया हो। सो मीन्स उसमें मिसिंग वैल्यूज़ हो सकती हैं और इन अदर वर्ड्स के डाटा इनकम्प्लीट हो सकता है। एंड सिमिलरली सपोज आप एनालाइज करना चाह रहे हैं कि जो आइटम्स है, जो प्रोडक्ट्स लोग परचेज कर रहे हैं, वो उस प्रोडक्ट को आइदर के वो सेल के ऊपर वो प्रोडक्ट है या रूटीन प्राइस के ऊपर है। तो सपोज आप ये एनालिसिस करना चाह रहे हैं, लेकिन इस तरह की कोई डेटा रिकॉर्ड ही नहीं किया गया। माइट बी उसके कोई पहले एट द टाइम ऑफ डेटा कलेक्शन इसकी ज़रूरत ना समझी गई हो, लेकिन अब आप एनालिसिस करना चाह रहे हैं कि जो प्रोडक्ट्स सेल हो रही हैं, परचेज़ कर रहे हैं लोग, वो उसे सेल के ऊपर ज़्यादा परचेज़ कर रहे हैं या रूटीन प्राइस के ऊपर कोई प्रोडक्ट ज़्यादा सेल हो रही है। सो एक ये भी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि डाटा मिसिंग वैल्यूज़ हो सकती हैं, कंप्लीट डाटा नहीं हो सकता। दूसरी ये भी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि कोई डाटा रिकॉर्ड ही ना किया गया हो। एंड इसी तरह जैसा कि आपने हमने बात की कि डाटा मल्टीपल ब्रांचेस से इकट्ठा किया गया, कलेक्ट किया गया ऑन द डेटा वेयर हाउस या वेयर हाउस किया गया है। सो हो सकता है कि किसी एक ब्रांच में, लाइक अगर मल्टीनेशनल कंपनीज की बात करें, तो किसी एक ब्रांच में लाइक प्राइस उसकी रुपीज़ में ली गई हो, और हो सकता है किसी दूसरी ब्रांच के ऊपर जो डाटा स्टोर किया जा रहा है, रिकॉर्ड किया जा रहा है, उसमें प्राइस को इन यूनिट ऑफ डॉलर्स मैयर किया जा रहा हो। सो इनकन्सिस्टेंसीज हो सकती हैं। जैसा कि हमने बात की प्रीवियस लेक्चर में कि जो रियल वर्ल्ड डाटा होता है वो इनकम्प्लीट भी हो सकता है, इनएक्यूरेट भी हो सकता है और उसके अंदर इनकन्सिस्टेंसीज भी हो सकती हैं। सो वेलकम टू द रियल वर्ल्ड। बहुत रेयर चांसेस ऐसे होते हैं कि आपको रियल वर्ल्ड डाटा सेट्स कंप्लीट, एक्यूरेट और कंसिस्टेंट डेटा मिले, बट मोस्ट ऑफ द केसेस क्या होता है, आपको उस इनकम्प्लीट डेटा को, इनएक्यूरेट डेटा को एंड इनकन्सिस्टेंट डेटा को प्री प्रोसेस करना पड़ता है और देन उसको उसकी क्वालिटी को इम्प्रूव करके डेटा माइनिंग एल्गोरिदम्स को हम लोग यूज़ करते हैं। सो इनकम्प्लीट डेटा मीन्स लैकिंग एट्रीब्यूट वैल्यूज़, जैसे कि हमने पहले बात की कि एट्रीब्यूट की वैल्यूज़ मिसिंग हो सकती हैं, और सर्टेन एट्रीब्यूट ऑफ इंटरेस्ट, पूरे का पूरा एट्रीब्यूट ही रिकॉर्ड नहीं किया गया। लाइक जैसे हमने बात की यहाँ पे सेल की, कि सेल का डाटा रिकॉर्ड ही नहीं किया गया, लाइक उसकी पहले शायद इम्पोर्टेंस नहीं समझी गई, उसको रिकॉर्ड करना मुनासिब नहीं समझा गया। बट अभी जब हम एनालिसिस करना चाह रहे थे, हम ये देखना चाह रहे हैं कि आइदर कोई प्रोडक्ट सेल के ऊपर ज़्यादा परचेज हो रही है या रूटीन प्राइस के ऊपर ज़्यादा परचेज हो रही है। सो लैक ऑफ असर्टेन एट्रीब्यूट, और यू कैन से कंटेनिंग ओनली एग्रीगेटेड डेटा, मीन्स कि माइट बी अगर हम देखना चाह रहे हैं सपोज कि डेली की सेल्स देखना चाह रहे हैं, बट आपके पास जो डेटा पड़ा हुआ वो वीकली सेल्स का डेटा है या मंथली सेल्स का डेटा है, और यू कैन से एग्रीगेटेड डेटा है। सो अगेन इनकम्प्लीट डेटा उस पर्टिकुलर प्रॉब्लम के लिए। एंड इनएक्यूरेट डेटा मीन्स कि आपके डेटा के अंदर कोई नॉइज़ है या कोई एरर्स है या कोई रूटीन से हट के वैल्यूज़ हैं। लाइक आपके कोई एट्रीब्यूट है, एज का एट्रीब्यूट है, उसमें आपको कहीं पर कोई वैल्यू नज़र आती है 506। सो ये तो पॉसिबल ही नहीं है, ऑब्वियसली ये कोई ना कोई डेविएशन है, कोई ना कोई एरर है या कोई नॉइज़ है, जो या तो डाटा एंट्री का टाइम हो गया या आपके इंस्ट्रूमेंट फेलियर की वजह से हो सकता है या ह्यूमन एरर की वजह से हो सकता है, और मल्टीपल रीजंस हो सकते हैं।
एंड सिमिलरली थर्ड क्या है, इनकंसिस्टेंट डेटा मीन्स कंटेनिंग डिस्क्रिपेंसीज इन दी डिपार्टमेंट कोड्स यूज टू कैटेगराइज आइटम्स, मीन्स कि आपकी डिफरेंट ब्रांचेज हैं, डिफरेंट डाटा बेसिस से, मल्टीपल डाटा बेसिस से आपके पास डेटा आ रहा है, और उसमें पॉसिबिलिटी हो सकती है कि आपके उसके अंदर इनकन्सिस्टेंसीज हों, ठीक है। माइट भी एक जगह पे आपकी डेट ऑफ बर्थ कैलकुलेट की जा रिकॉर्ड की जा रही है, दूसरी जगह पे आपकी एक्चुअल एज में डाटा इंटर किया जा रहा है, और हो सकता है एक डेटाबेस में हाइट को मिलीमीटर्स में मैयर किया जा रहा है, हो सकता है दूसरी जगह पे हाइट्स को इंचेस में मैयर किया जा रहा है। सो अगेन इनकन्सिस्टेंसीज हो सकती हैं। सो इस सिनेरियो से आपको पता चलता है कि डेटा की क्वालिटी को डिफाइन करने के लिए आपके पास एक्यूरेसी ऑफ द डेटा है, कंप्लीटनेस ऑफ द डेटा है, एंड कंसिस्टेंसी ऑफ द डेटा है, कि आपका डेटा आइदर एक्यूरेट है या नहीं है, उसके अंदर एक्यूरेसी है या नहीं है, वो डेटा कंप्लीट है या नहीं है, और वो डेटा कंसिस्टेंट है या नहीं है। सो दीज आर सम पैरामीटर्स टू डिफाइन दी और टू मेजर दी क्वालिटी ऑफ द डेटा। सो अब बात करते हैं कि डेटा इनएक्यूरेसी या नॉइजी डेटा होने की क्या रीजंस हैं। सो फॉल्टी ऑपरेटर्स की वजह से पॉसिबिलिटी है कि डेटा नॉइजी या इनएक्यूरेट इंटर हो जाए, और ह्यूमन या कंप्यूटर एरर एट डेटा एंट्री, जब डेटा इंटर किया जा रहा है तो कंप्यूटर एरर या ह्यूमन एरर की वजह से भी इनएक्यूरेसी या नॉइजी डेटा प्रोड्यूस हो सकता है, एंड एरर्स इन द डेटा ट्रांसमिशन सपोज डेटा ट्रांसमिशन टाइम पे डेटा में नॉइज या इनएक्यूरेसी आ सकती है, लाइक लिमिटेड बफर साइज की वजह से कुछ इतनी वैल्यू को स्टोर नहीं किया गया, और या फिर इनएक्यूरेट डेटा कलेक्शन कैन ऑल्सो बी द रीजन ऑफ नॉइजी डेटा। रीजन्स फॉर इनकम्प्लीटनेस, इनकम्प्लीटनेस की क्या रीजन्स हैं। सो नंबर वन इज नॉट एप्लीकेबल डेटा वैल्यू व्हेन कलेक्टेड, कि जब डेटा कलेक्ट किया गया तब उसकी वैल्यू कुछ सैंपल्स या ऑब्जेक्ट्स के लिए एप्लीकेबल ही नहीं थी, लाइक स्टूडेंट से डेटा कलेक्ट किया जा रहा है और उनसे उसमें इंफॉर्मेशन ली गई है, डेटा कलेक्ट किया गया अबाउट देयर क्रेडिट कार्ड इंफॉर्मेशन। सो हो सकता है कि कुछ स्टूडेंट्स के पास क्रेडिट कार्ड हो तो वो डाटा एंटर कर दें, और जिनके पास नहीं है वो सिंपली क्या करेंगे, उसको स्किप कर देंगे, मींस नॉट एप्लीकेबल, उनके लिए ये एट्रीब्यूट की वैल्यू एप्लीकेबल ही नहीं है। एंड सिमिलरली सेकंड वन इज डिफरेंट कंसिडरेशन बिटवीन द टाइम व्हेन डेटा वाज कलेक्टेड एंड व्हेन इट इज एनालाइज्ड। सो जैसा कि हम अभी हमने एग्जांपल डिस्कस की कि वो मैनेजर, कंपनी का मैनेजर एनालाइज करना चाह रहा है कि वो प्रोडक्ट्स सेल के ऊपर परचेज हो रही हैं या रूटीन प्राइस के ऊपर परचेज हो रही हैं। सो बट एट द टाइम ऑफ डेटा कलेक्शन उन्होंने ये इंफॉर्मेशन, ये एट्रीब्यूट की वैल्यू इंटर ही नहीं की। सो एट द टाइम ऑफ डेटा कलेक्शन शायद वो इम्पोर्टेंट नहीं समझा गया या ज़रूरी नहीं समझा गया, बट एट द टाइम ऑफ एनालिसिस हम उसको अपनी उस पर्टिकुलर प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए या एनालाइज करने के लिए उसे यूज़ करना चाह रहे हैं। सो ये पॉसिबिलिटी भी हो सकती है। सिमिलरली ह्यूमन हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर प्रॉब्लम्स की वजह से भी इनकम्प्लीटनेस हो सकती है। सिमिलरली इनकन्सिस्टेंट डेटा, सो इनकन्सिस्टेंट डेटा मे हैव बीन डिलीटेड, माइट बी जब डेटा को इंटीग्रेट किया गया सो वो डेटा माइट बी किसी दूसरे डेटा के साथ इनकन्सिस्टेंट हो, उसको डिलीट कर दिया गया एट द टाइम ऑफ डेटा इंटीग्रेशन। सो ये भी रीज़न हो सकती है डेटा की इनकम्प्लीटनेस होने की। एंड देन हमारे पास डेटा रीजन फॉर इनकन्सिस्टेंसी, वो डिफरेंट डेटा सोर्सेज हो सकते हैं, जब डिफरेंट डेटा सोर्सेज से डेटा को कंबाइन किया जाता है, इंटीग्रेट किया जाता है, तो उसमें जैसे कि हमने पहले डिस्कस किया कि इनकन्सिस्टेंसीज या डिस्क्रिपेंसीज हो सकती हैं। सिमिलरली फंक्शनल डिपेंडेंसी वायोलेशन हो सकती है, या डेटा कलेक्शन नॉट ऑन रिक्वायर्ड फ्रिक्वेंसी। सो दीज आर सम रीजंस फॉर डेटा इनएक्यूरेसी, डेटा इनकम्प्लीटनेस एंड डेटा इनकन्सिस्टेंसी। सो सिमिलरली डेटा की क्वालिटी डिपेंड करती है ऑन द इंटेंडेड यूज ऑफ डेटा, ये फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। माइट बी एक टाइम पे डेटा की वही डेटा माइट बी उसकी वो एक बेटर क्वालिटी डेटा कंसिडर किया जाए, बट एट द सेम टाइम दूसरा बंदा उसी डेटा को एक लो क्वालिटी डेटा कंसिडर करे। सो वही एग्जाम्पल लेते हैं जो हम बात कर रहे थे कंपनी के डेटा की। सो डेटा बेस हैविंग अ लिस्ट ऑफ कस्टमर एड्रेसेज, जिसमें कस्टमर एड्रेसेज हैं, और सम ऑफ द एड्रेसेज आर आउटडेटेड और इनकरेक्ट, जो कि आउटडेटेड हैं, और उसमें से 80% ऐसे एड्रेस हैं, कस्टमर्स के एड्रेस ऐसे हैं जो कि एक्यूरेट हैं, बाकी 20% वो क्या हैं, इनएक्यूरेट हैं। सो आप एक मार्केटिंग एनालिस्ट के लिए तो शायद ये डेटा एक बहुत अच्छी क्वालिटी का हो सकता है कि 80% लोगों के एड्रेसेज एक्यूरेट हैं। सो वो अपने मार्केटिंग पर्पजेज के लिए
टारगेटेड मार्केटिंग के लिए उसको एफिशिएंटली यूज़ कर सकते हैं इस डेटा सेट को। बट एट द सेम टाइम अगर सेल्स मैनेजर की बात करें तो इसके लिए एक ये लो क्वालिटी डेटा कंसीडर किया जाएगा। देन वी हैव अनदर एलिमेंट विच इज़ टाइमलीनेस दैट अफेक्ट्स द क्वालिटी ऑफ द डेटा। टाइमलीनेस मीन्स अवेलेबिलिटी ऑफ द डेटा एट स्पेसिफिक टाइम। किसी स्पेसिफिक टाइम के ऊपर डेटा का अवेलेबल होना इज़ द टाइमलीनेस। अब इसकी एग्जाम्पल हम लेते हैं। सपोज के कोई कंपनी अपने सेल्स रिप्रेजेंटेटिव्स को मंथली सेल्स बोनस देना चाह रही है और वो अपने डाटा को जब देखती है तो उसमें उसने ऑब्जर्व किया कि कुछ सेल्स जो रिप्रेजेंटेटिव हैं उन्होंने डाटा अभी तक सबमिट ही नहीं करवाया एट द एंड ऑफ मंथ। और सिमिलरली और कुछ रीजंस हो सकती हैं, लाइक जब सारों का डाटा आ गया तो उसमें से कुछ एडजस्टमेंट्स करनी हो, कुछ उसमें करेक्शंस करनी हो और अभी तक वो करेक्शंस या एडजस्टमेंट्स नहीं की गई, वो डाटा क्या है, कंप्लीट नहीं है। ठीक है, सो जब वो सारा डाटा आ गया तो क्या हुआ, वो डाटा अच्छी क्वालिटी का कंसिडर किया जाएगा। बट बिफोर दैट वही डाटा क्या है, इनकम्प्लीट डाटा है फॉर दैट स्पेसिफिक प्रॉब्लम जो कि हम सॉल्व करना चाह रहे हैं, जो कि हम मंथली सेल्स बोनस देना चाह रहे हैं। सो टाइमलीनेस इज अनदर फैक्ट और इज अनदर एलिमेंट दैट डिफाइंस द क्वालिटी ऑफ द डेटा। सो टाइमलीनेस। देन हमारे पास डाटा की क्वालिटी को मेजर करने के लिए एक और पैरामीटर या एलिमेंट अवेलेबल है विच इज बिलीवेबिलिटी। बिलीवेबिलिटी रिफ्लेक्ट्स हाउ मच द डेटा ट्रस्टेड बाय यूजर्स, के यूजर्स जो उस डेटा के हैं वो उस डेटा के ऊपर कितना ट्रस्ट करते हैं या कितना उसके ऊपर बिलीव करते हैं। अब सपोज ये जो डेटा था उसमें कुछ एक टाइम के ऊपर सपोज सेवरल एरर्स थे उस डेटा के अंदर, जो कि बाद में उनको करेक्ट कर लिया गया, उसमें करेक्शंस कर ली गई। बट उन पास्ट एरर्स की वजह से जो उसके यूजर्स हैं, हो सकता है कि उसको इतना ट्रस्टवर्दी उस डेटा सेट को ट्रस्टवर्दी कंसिडर ना करें। सो बिलीवेबिलिटी इज अनदर फैक्टर और इज अनदर एलिमेंट दैट डिफाइंस द क्वालिटी ऑफ द डेटा। देन हमारे पास आता है एक और एलिमेंट विच इज इंटरप्रेटेबिलिटी। इंटरप्रेटेबिलिटी रिफ्लेक्ट्स हाउ इजी द डेटा आर अंडरस्टूड, कि डेटा को कितनी आसानी से, कितनी इजीली अंडरस्टूड किया जा सकता है, समझा जा सकता है। लाइक आपके डेटा में हो सकता है कि बहुत सारे अकाउंटिंग के कोड्स हों, जो कि अकाउंटिंग डिपार्टमेंट तो बहुत अच्छे से उनको अंडरस्टैंड करता है, बट एट द सेम टाइम सेल्स डिपार्टमेंट्स क्या है उसके लिए तो वो सारे अकाउंटिंग के जो कोड्स होंगे वो इजीली अंडरस्टैंडेबल नहीं होंगे। इवन तो आपका डाटा कंप्लीट है, कंसिस्टेंट है, एक्यूरेट है एंड टाइमली है, बट सेल्स डिपार्टमेंट वाले उस डाटा को ड्यू टू लैक ऑफ इंटरप्रेटेबिलिटी उसको एक अच्छी क्वालिटी का डाटा कंसिडर नहीं करते। एट द सेम टाइम वही डाटा जो अकाउंटिंग डिपार्टमेंट है उनके लिए एक हाई क्वालिटी डेटा है। सो ये कुछ पैरामीटर्स हैं, कुछ एलिमेंट्स हैं जो कि डेटा की क्वालिटी को मेजर करने के लिए यूज़ होते हैं। एक्यूरेसी, कंप्लीटनेस, कंसिस्टेंसी, बिलीवेबिलिटी एंड इंटरप्रेटेबिलिटी। सो इन अ नटशेल इसको अगर समराइज करें तो एक्यूरेसी एंड कंप्लीटनेस मीन्स डेटा स्टोर्ड इज करेक्ट और रॉन्ग, एक्यूरेट और नॉट, कि डाटा जो स्टोर किया जा रहा है वो करेक्ट है या रॉन्ग है, एक्यूरेट है या नहीं, अनएम्बिगुअस, एंड अश्योर्स दैट ऑल डेटा फॉर रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन इज अवेलेबल और नॉट, कि जो आप एनालिसिस करना चाह रहे हैं, जो आप प्रॉब्लम सॉल्व करना चाह रहे हैं उस पर्टिकुलर प्रॉब्लम के लिए आपका डाटा कंप्लीट है या नहीं है। एंड देन हमारे पास है इस कंसिस्टेंसी एंड टाइमलीनेस, मीन्स डेटा इज इन सेम फॉर्मेट एट ऑल टाइम एंड फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेज, कि जब डिफरेंट सोर्सेज से डाटा लिया जा रहा है तो वो कंसिस्टेंट हो, सेम फॉर्मेट में हो। एंड अवेलेबिलिटी ऑफ डेटा इज रिक्वायर्ड, मीन्स के टाइमलीनेस, जब डेटा चाहिए उस टाइम के ऊपर वो क्या हो, कंप्लीट हो। देन हमारे पास है बिलीवेबिलिटी एंड वैल्यू एडेड, मीन्स हाउ मच डेटा कैन बी ट्रस्टेड दैट इट इज ट्रू एंड वट इम्पैक्ट न्यू डेटा हैज़ ऑन एग्जिस्टिंग। देन इंटरप्रेटेबिलिटी एंड असेसिबिलिटी, मीन्स हाउ इजिली डेटा कैन बी अंडरस्टूड, डेटा जो यूजर्स हैं वो कितनी आसानी से उस डेटा को अंडरस्टैंड कर सकते हैं, एंड हाउ इजिली डेटा कैन बी असेस्ड। सो दीज आर सम पैरामीटर्स और एलिमेंट्स दैट आर यूज टू मेजर द क्वालिटी ऑफ द डेटा। सो दैट्स इट फॉर टूडेज लेक्चर, थैंक यू।